वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम TTML यानी कि टाटा टेली सर्विसेस महाराष्ट्र लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो 88.55 पे रिसेंटली ट्रेडिंग करा। TTML स्टॉक 1.40 पैसे की गिरावट देखने को मिले, टोटली 1.56% की गिरावट देखने को मिले TTML के अंदर। तो देख सर की स्टॉक की बात की जाए तो देख सर की जो प्रीवियस क्लोजिंग है उसी के ऊपर आज ओपन होता स्टॉक। 90 लेवल का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगा, 90 लेवल का रेजिस्टेंस लगते ही गिरावट देखने को मिली। उसी गिरावट में देख सर फिर से एक बार प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेकआउट दिया और काफी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। मीन्स 88 लेवल ने सपोर्ट का काम किया, 88 के ऊपर स्टेबल है रिसेंटली स्टॉक देखा जाए तो। फिर से यहाँ पे आप देखा जाए तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी और भी, क्योंकि 90 लेवल ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस एक्ट हो सकता है। मार्केट कैप जो है 17,000 करोड़ के करीब आ चुके हैं गिरावट के बाद। लास्ट 5 डेज में स्टॉक ने यहाँ पे 6.54% की गिरावट भी देखने को मिले। तो वॉल्यूम के ऊपर नजर डालेंगे तो ट्रेडेड वॉल्यूम जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7,60,000 का ट्रेडेड वॉल्यूम जनरेट हो चुका है स्टॉक के अंदर। ट्रेडेड वॉल्यूम के साथ ट्रेडेड वैल्यू जो है 678 लाख की ट्रेडेड वैल्यू देखने को मिले। तो बाइंग के लिए देख सकते 2,59,000 क्वांटिटी पेंडिंग है, तो सेलिंग के लिए जो है 4,36,000 क्वांटिटी पेंडिंग है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की भी बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन 7,20,000 में से 5,13,000 क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके, कुल मिला के 71% क्वांटिटी। चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते स्टॉक में पिछले 4-5 दिनों से काफी गिरावट देखने को मिले। स्टॉक यहाँ पे 95 लेवल पे रिजेक्शन लेने के बाद गिरावट हो चुकी, तो फिर से यहाँ पे 80 लेवल तक गिरावट होने के भी चांसेस हो सकते हैं स्टॉक के अंदर।